चीन नियंत्रण रेखा विवाद पर नरम पड़ा। भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवाद के बीच बुधवार को चीन का रुख नरम पड़ गया। मंगलवार को किसी भी देश का नाम लिए बिना राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयारी का निर्देश दिया था। बुधवार को पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने सीमा पर भारत के साथ स्थिति को स्थिर और नियंत्रण में बताया। उसके बाद भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत से निपटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। भारत की कड़ी आपत्ति के बाद पीछे हटा नेपाल। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा को लेकर चल रहे विवाद प्रकरण में भारत की कड़ी आपत्ति के बाद नेपाल ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। नेपाल की संसद में फिलहाल देश के नए राजनीतिक नक्शे के संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को फिलहाल रोक दिया गया है। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नेपाल के नेताओं को बातचीत के जरिए विवाद का हल निकालना चाहिए, इस तरह तथ्यहीन बातों को स्वीकारा नहीं जाएगा। वहीं नेपाल की संसद में बुधवार को देश के नक्शे में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन किया जाना था, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसे सदन की कार्यवाही के एजेंडे से ही बाहर कर दिया गया। वहीं बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, तो 5 दिन में पहली बार संक्रमण में गिरावट दिखी। पिछले 5 दिनों में पहली बार संक्रमण के नए मामलों में गिरावट का स्पष्ट रुझान। बीते 24 घंटों के दौरान संक्रमितों की संख्या 6,387 निकली। देश में रोगियों की संख्या 1,51,767 को पार कर गई। वहीं मरने वालों की कुल संख्या 4,337 तक पहुंची। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 3 दिसंबर से। जुलाई माह तक जारी रह सकता है टिड्डियों का आतंक। एक तरफ देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं 6 राज्यों में टिड्डी दलों ने हमला बोल रखा है, जो फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि यह खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन IFFCO ने चेताया है कि भारत में जुलाई की शुरुआत तक टिड्डी दलों का यह हमला जारी रह सकता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।